हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 10 की इतिहास का, जिसका नाम है जी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखना। और एक और बात, इस वीडियो की स्पीड आप तेज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी भी है, बट अगर स्किप कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो हमने कहाँ तक कर लिया था। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले थे पढ़ने का जुनून, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले थे। बट पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख कर आए हो तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, और अगर नहीं पता तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना दोबारा से। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि जापान में जो पहली मुद्रित पुस्तकें थी उसका नाम क्या था, जो पहली पुस्तक थी ना जापान के अंदर जो छापी गई थी उसका नाम क्या था। सेकेंड क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि जो चीन है, चीन के अंदर मुद्रिक या मुद्रण संस्कृति का जो केंद्र है वो किस एरिया को कहा जाता था। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी ना, छपाई वाली जो आई थी मशीन वगैरह, वो किसने बनाई थी सबसे पहले। ठीक है, उसका नाम आप मेरे को बताना, उसका नाम वैसे जोहान है। ठीक है, और आप मेरे को उसका कास्ट बताना कि जोहान के आगे क्या आता है। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या होती थी, हस्तलिखित पांडुलिपि होती थी, हाथ से लिखा जाता था सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, यानी लकड़ी वगैरह हुआ करती थी, उस पे वर्ड को तराशा जाता था, उस पे इंक लगाई जाती थी, पेपर रखा जाता था और उलाला पेपर पे हमारी जो भी लिखावट होती थी वो छप जाती थी। उसके बाद क्या सिस्टम आया, उसके बाद ये जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी जो हमारा जोहान लेकर आया था। ओके, और उसके बाद बेसिकली है ना, एक पढ़ने लिखने का चलन जो था वो बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो गया था। और फिर हमने ये भी देखा था कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पुस्तक विक्रेताओं के सामने आ रही थी ना, वो ये थी कि ज़्यादातर लोग उस टाइम पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको बुक खरीदने के लिए हम कैसे मोटिवेट करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहली बात तो वो बुक में बहुत ही अच्छे से चित्रकारी वगैरह बनवाते थे, और साथ ही में उन्होंने क्या किया, एक प्रथा शुरू कर दी जिसमें क्या होता था कि एक पर्सन क्या होता था ग्रामीण इलाकों में या शराब खानों में कहीं भी बुक को रीड करता था। ठीक है, जिससे उन लोगों के को भी पता चले कि इस बुक में क्या लिखा है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम 16वीं शताब्दी से पहले के टाइम में यही थी हमारे यूरोप के अंदर, के पढ़े लिखों की संख्या बहुत ही कम थी। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 16वीं शताब्दी के अंत तक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम थी, परंतु 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ने लगी, पढ़े लिखे लोग बढ़ने लगे, अलग अलग स्कूल खुलने लगे गाँव के अंदर। ठीक है, और कारीगरों और किसानों तक को पढ़ाया जाने लगा। और 18वीं शताब्दी में तो यूरोप के बहुत सारे हिस्से थे जहाँ पर 60 से लेकर 80% लोग पढ़े लिखे थे, कितनी अच्छी बात है। और जो पुस्तक विक्रेता होते थे, अब गाँव में ना अपनी गाँव गाँव में छोटी छोटी जो किताबें होती थी उनको बेचने के लिए फेरी वाले को हायर कर लेते थे, फेरी वाले को पकड़ लेते थे कि भैया ये 100 बुकें हैं, ये तेरे को बेचनी है, तू आके शाम को मेरे से पैसे ले जाइयो, बट तू ये बुकें बेच कर आएगा। ठीक है, और उस बुकों में ज्यादातर क्या होता था, पांचांग होता था, लोक कथाएं होती थी, लोक गीत वगैरह होते थे, और जल्दी ये मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। यानी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मनोरंजन वगैरह ऐसी बुकें तो होती थी, लोक कथाएं लोक गीत होते थे, बट मनोरंजन की चीजें वगैरह भी डालने लगे, जैसे कि आप कह सकते हो कुछ हसमुख कहानियां वगैरह भी, ऐसी चीजें भी डालने लगे। और इंग्लैंड में जो छोटी किताबें होती थी ना, छोटी किताबें होती थी उनको है ना बोला जाता था क्या, पेनी चैप बुक और एक पैसिया किताब। क्यों? क्योंकि ये एक पैसे की आती थी, या मैं आप बोलूँ एक पैनी की आती थी। ठीक है, और जो बेचने वाला होता था, जो फेरी वाला होता था, उसको चैपमैन कहा जाता था। और ऑब्वियसली बात है कि बहुत सस्ती आती थी, एक पैनी की आती थी, तो गरीब तबके के लोग इसे खरीद कर पढ़ा करते थे। और अगर हम फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड में तो पता चल गया पेनी चैप बुक होती थी, फ्रांस में बात करें तो एक होती थी बिब्लियोथिक ब्लू। अच्छा, ब्लू से क्या पता चलता है कि एक ऐसी छोटी सी बुक थी, छोटी सी किताब थी, जिसका कवर जो था वो ब्लू कलर का होता था। ठीक है, और सस्ते कागज पे छपी हुई होती थी, इतना बढ़िया क्वालिटी का कागज नहीं होता था, बट सस्ती होती थी ये। ठीक है, और इसके अलावा और भी चार पांच जो प्रेम कहानियां होती थी, पन्नों की प्रेम कहानियां, वो भी बेची जाती थी। ठीक है, और साथ ही में अतीत की भी कुछ छोटी मोटी गाथाएं थी जिन्हें इतिहास कहकर बेचा जाता था। ओके, और 18वीं शताब्दी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, और उसके बाद पत्रिकाएं वगैरह आना स्टार्ट हो गई, पब्लिकेशन वगैरह ना पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, पेपर्स वगैरह और जो पब्लिकेशन पत्रिकाएं वगैरह होती थी, मैगजीन कह सकते हो आप एक तरह से, और जिसमें समसामयिक घटना की खबर के साथ साथ मनोरंजन भी परोसा जाता था, मजाक वगैरह की चीज़ें भी होती थी और साथ में खबरें वगैरह भी होती थी। और अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देश की खबरें भी होती थी। मतलब मैं आपको बता दूं, उस टाइम अखबार के अंदर
है ना, क्योंकि अखबार वगैरह आना शुरू हो गया था, मैंने जैसे बताया मैगजीन और अखबार वगैरह आना शुरू हो गया था, तो युद्ध और व्यापार की तो खबरें होती थी, इसके साथ साथ दूर देशों की खबरें भी हुआ करती थी। ओके, और वैज्ञानिक ने भी अपनी खोजों को अब प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। इसमें से एक पर्सन है जिनका नाम है आइजेक न्यूटन, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इन्होंने भी अपने आविष्कार को प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे थॉमस पेन हो गए, वोल्टेयर हो गए, जीन जैक्वस रोजी हो गए, ये भी बड़े बड़े दार्शनिक थे जिनकी किताबें बहुत मात्रा में छपने लगी और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। यानी ये जो बड़े बड़े हमारे दार्शनिक थे ना, उनकी किताबें पढ़ के लोग विज्ञान के बारे में जानने लगे और तर्क वितर्क के बारे में जानने लगे, है ना। क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, मैं आपको बता दूं, यूरोप में ज्यादातर एक टाइम पे लोग ऐसे मानते थे क्या ना, पृथ्वी है ना घूमती नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि इसमें है ना लोग जो पाप करते हैं इसकी वजह से ये एकदम स्थिर है, घूमती नहीं है, जबकि इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं था। यही हमारे वैज्ञानिकों वगैरह ने बताई, यानी बेसिकली लोग तर्क की तरफ जाने लग गए थे जैसे जैसे ये, क्योंकि अब देखो इससे क्या पता चलता है कि प्रिंट कल्चर से लोगों के दिमाग भी खुलने लग गए थे, ठीक है, वो सही और गलत में अब डिफरेंस करने लग गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, और ये सही में बुक का टॉपिक है, ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं बुक दिखा दूंगा आपको। ये टॉपिक का नाम है, और इस टॉपिक का मतलब क्या मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। तो बेसिकली इस टॉपिक का नाम ये है कि हाँ, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, इसका मतलब क्या है। बेसिकली इस वाले टॉपिक में ये बताया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्या करते थे कि जो निरंकुशवाद थे, राजा वगैरह, वो बहुत ही परेशान करते थे लोगों को, ठीक है। अब उनको बुकों में लिखा जाने लगा और राजाओं के खिलाफ लिखा जाने लगा, जिससे लोगों के मन में आक्रोश जागा, ठीक है। तो इसी के अंदर इस टॉपिक को बताया गया है कि कई सारे लोगों का मानना था कि किताब दुनिया बदल सकती है, वह निरंकुशवाद, निरंकुशवाद यानी चैप्टर नंबर 1 में आई होप आपने पढ़ा हो, निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है। निरंकुशवाद का मतलब वो सिस्टम होता है जिसपे कोई अंकुश ना हो, यानी राजा रानी वाला सिस्टम जो है निरंकुश शासन कहलाता है, और आतंकी राजसत्ता के समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा, तो लोग ऐसा मानते थे। 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार जिनका नाम था, याद रखना, लुई सेबेस्टियन मार्सिए, क्या कहा था इन्होंने, सेबेस्टियन मार्सिए क्या कहा था इन्होंने, घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मतलब जब लोगों में छापे खाने में जो बुक छपती है, जब वो लोगों के पास जाएगी, क्योंकि ये बहुत अहम हथियार है, जब ये लोगों के पास जाएगा और लोग पढ़ेंगे उसको, तो राजा रानी के खिलाफ बोलेंगे वो पक्का। ज्ञानदों को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने के लिए छापा खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्सिए ने कहा, क्या कहा है, निरंकुशवादी शासकों, यानी राजा रानों को बोल रहा है वो, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, आभासी लेखक की कलम के जोर पर अब तुम हिल उठोगे, है ना। यानी जो लोग हैं अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लेखक तुम्हारे बारे में सच्चाई लिखेंगे अब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का इससे क्वेश्चन बनेगा कि मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, बेसिकली मुद्रण संस्कृति ने कैसे फ्रांसीसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई, यही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे प्रिंट ने फ्रांसीसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो ये रहा जी इसका आंसर, डिट्टो 5 पॉइंट आपको यही लिख कर आने, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर पक्के। प्रिंट ने प्रबुद्ध विचारकों के विचार को लोकप्रिय बनाया, यानी वो जो बड़े बड़े जो अहम विचारक थे उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया। कैसे, कि उनकी जो बुक छपती थी अब लाखों में छपने लगी और लोग उनको पढ़ने लगे, ठीक है। और जो हमारे वोल्टेयर थे और रोज्यू थे, जिसको इसमें रोसी लिखा हुआ है, रूसो लिखा हुआ है, के लेखन की व्यापक रूप से पढ़ा पढ़ा गया, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इनकी किताबों को पढ़ा गया। इन विचारकों ने प्रथा की बजाय तर्क के नियम के लिए तर्क दिया, और मांग की तर्क और तर्क संगत संगता के आवेदन के माध्यम से ही हर चीज का न्याय करना चाहिए। अच्छा, तो हमारे ये जो विचारक थे ना, ये जो लोकप्रिय विचारक थे, ठीक है, वोल्टेयर हो गए, ये बेसिकली फ्रांस के हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी बुकें जो थी वो लिखे जाते जो लिखते थे ये, वो बहुत बड़े लेवल पे लोग पढ़ते थे, और यही विचारक थे जिन्होंने बोला कि आप प्रथा पे मत जाओ, ठीक है, एक तर्क के नियम पे जाओ। तर्क के नियम यानी जो सही है, पहले बोला जाता था कि जी ये आ, आ, कुलीन वर्ग का है तो ये अच्छा है, ये कोई भी पाप करेगा तो इसको सजा नहीं मिलेगी, तो
तो जब लोगों वोल्टेयर ने ये लिखना शुरू किया, यार ये तो गलत है, चाहे कोई कुलीन वर्ग का है, अभिजात वर्ग का, चाहे किसी भी वर्ग का है, अगर वो गलत करता है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो यही है तर्क का नियम। और साथ ही में प्रिंट ने संवाद और वाद विवाद की एक नई संस्कृति का निर्माण किया। सभी मूल्य मापदंडों और संस्थाओं को पुनर्मूल्यांकन किया गया और उन लोगों द्वारा चर्चा की गई जो तर्क की शक्ति से अवगत हो गए थे। मतलब बेसिकली लोगों को ये बताना, वाद विवाद करना शुरू किया, नई नई संस्कृति का निर्माण हुआ, और लोगों को ये बताना शुरू किया कि ये राजा वाला जो सिस्टम आप चला रहे हो ना, संस्थाओं वाला, उनके साथ आप मत जाओ, ये गलत है। और तर्क की शिक्षा को अवगत कराया कि बेसिकली आप सही के रास्ते पे चलो, ये मत देखो राजा गलत कह रहा तो उस पर हाँ में हाँ मत मिलाओ, उसके खिलाफ बोलो, और मौजूदा विचार और विश्वासों पर सवाल उठाने को की आवश्यकता को मान्यता दी। और इसी वजह से देखो फ्रांस के अंदर आंदोलन हुआ, जब लोगों ने राजा पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। क्यों उठाना शुरू कर दिया? क्योंकि बड़े बड़े जो विचारक थे उन्होंने बुक में लिखना शुरू कर दिया और लोगों को बेसिकली बताया कि तर्क पे जाओ, वाद विवाद करेंगे हम, और तर्क के नियम का पालन करो, ना कि सिर्फ प्रथा पर चलो। और 1780 के दशक तक साहित्य की बाढ़ आ गई थी, जिसने राजघरानों का मजाक उड़ाया, वही लुई XVI की बात हो रही है यहाँ पर, और उनकी नैतिकता की आलोचना की। इस प्रक्रिया में इसने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी सवाल उठाए। वो जो तीन वर्गों में बटा हुआ था, है ना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और जो हमारा तृतीय वर्ग था, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया फ्रांस पे। तो प्रिंट ने सीधे उनके दिमाग का आकार नहीं दिया, लेकिन इसने अलग तरह से सोचने की संभावना खोल दी। अब लोगों को पता चल रहा था, यार ये गलत है और ये सही, समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी। 17वीं देख ली हमने, 18वीं देख ली, अब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई। मतलब पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा हो गई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नए पाठक वर्ग तैयार हुए। पहले सिर्फ ज्यादातर मेल ही पढ़े लिखे होते थे, बट उसके बाद फीमेल और बच्चे भी पढ़े लिखे होने लग गए। तो इसी टॉपिक में ही पढ़ेंगे कि बच्चे, महिलाएं और मजदूर, ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। इसका मतलब ये क्या है कि जब से स्कूल में कंपलसरी कर दिया कि हर बच्चे को स्कूल में पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे आने लगे, लेखक आने लगे जो सिर्फ बच्चों की कहानियां लिखते थे, बाल पुस्तकें वगैरह। देखो यही लिखा हुआ है, फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस, अलग एक प्रेस होती थी, एक जिसका नाम था मुद्रणालय, ठीक है, मुद्रणालय। ये बेसिकली वही थी प्रेस वगैरह ही थी जो सिर्फ बाल पुस्तकें ही छापा करती थी। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाएं, कहानियां वगैरह, लोक कथाएं का प्रकाशन किया गया, ठीक है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी इन स्टोरी वगैरह को लिखने में जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ने। चैप्टर नंबर 1 में इनका नाम आपने सुना होगा, ये दोनों लॉयर थे, दोनों भाई ग्रिम ब्रदर्स, एक अलग से पैराग्राफ लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 ने। अगर आपने नहीं देखी चैप्टर 1 की वीडियो तो वो भी देख सकते हो। मैं हर चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, और एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। फुल मार्क्स चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिस मत करना बस। तो जर्मनी के जो ग्रिम बंधु थे ना, भाई थे, जो बंधुओं का मतलब भाई होता है, ने बरसों लगाकर किसान के बीच में लोक कथाएं जमा की। मतलब जो किसान जो लोक कथाएं बोलते थे उनको जमा किया, उनके द्वारा एक जो एकीकृत सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को अंततः 1812 में संकलन में छापा गया, है ना। तो पहले इकट्ठा किया गया किसानों से, उसके बाद छापा वगैरह गया। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिला उनका अहम पाठक बन गई, उसके बाद उपन्यास वगैरह छपने लगे महिलाओं को लेकर भी। और जैसे ग्रिम ब्रदर्स ने बच्चों की कहानियां वगैरह लिखी, और वैसे ही हमारी जो मशहूर जो लेखिकाएं थी, जिसमें एक तो जेन ऑस्टिन थी, ठीक है, ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी या ब्रॉन्टे बहनें थी, और जॉर्ज एलियट, ठीक है, जॉर्ज एलियट थी हमारी, उनके लेखन की नई नारी की परिभाषा उभरी। अच्छा, उन्होंने औरतों के बारे में बताया कि जिसका व्यक्तित्व सदृढ़ था, मतलब मजबूत था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी। पहले औरतों को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, समझा, ये माना जाता था कि दिमाग से कम होती है, ऐसे। ये बात मैं खुद से बनाकर नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो उस टाइम क्या था, बेसिकली जो हमारी जो भी लेखिकाएं थी ना, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि नहीं, महिला भी मजबूत होती है, महिला में भी बहुत ज्यादा सूझबूझ होती है, ठीक है, जिसका अपना दिमाग था,
और अपनी इच्छा शक्ति थी। पहले तो ये माना जाता था कि महिलाओं की कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती, बट इन्होंने इनको बढ़ावा दिया कि नहीं, महिलाओं की भी इच्छा शक्ति होती है, उनके लिए भी काम किया जाना चाहिए, उनको भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, सारी की सारी बातें। ओके, और 16वीं और 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। अब किराए जो पुस्तक है वो किराए में भी मिलने लग गई थी। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर, ये कॉलर है बेसिकली, सफ़ेद कॉलर मजदूर, ठीक है, जो दस्तकार होते थे हमारे, दस्तकारों को और जो निम्न वर्गीय लोग होते थे उनको शिक्षित करने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड में पुस्तकालय वगैरह खोले गए थे जिसमें किराए पे पुस्तक होती थी, और ताकि हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं हमारे, और जो निम्न वर्गीय हैं, जो दस्तकार है, वो भी पढ़ लिख सके, ठीक है, शिक्षित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि काम के दिन छोटे होने के बाद जो मजदूर थे, ये मशहूर मजदूर नहीं है, मजदूर है, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको मिलेगी क्योंकि यार मैंने खुद टाइप किया, आप समझ सकते हो, को अपने सुधार और आत्म व्यक्तित्व के लिए थोड़ा सा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी, अपनी कंडीशन के बारे में उन्होंने लिखा कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी, नेक्स्ट टॉपिक है कि नए तकनीकी परिकाष्ट परिश परिष्कार परिष्कार मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी। अब क्या, कौन सी न्यू, परिष्कार का मतलब होता है इनोवेशन। अब क्या नई इनोवेशन आई थी वो देख लो जी। तो क्या क्या इनोवेशन आई थी देखो, पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि 18वीं सदी के अंत तक एक प्रेस धातु से बनने लगे। पहले लकड़ी से प्रेस होती है, जो हमारे जोहान ने भी बनाई थी ना, जोहान गुटनबर्ग, पूरा नाम आप सुन लो आप, ठीक है, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में लिखा हो। तुम्हारे जो जोहान गुटनबर्ग थे ना, उन्होंने जो प्रेस बनाई थी बेसिकली वो भी लकड़ी से ही बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो लकड़ी से बनाई थी, और कुछ कुछ लोहे का यूज़ किया गया था बट ज़्यादातर उसमें लकड़ी थी। बट उसके बाद जो थी वो पूरी की पूरी प्रेस जो थी वो धातु से बनने लग गई थी, ठीक है। और 19वीं सदी के मध्य तक जो न्यूयॉर्क में जो हमारे रिचर्ड एम हो थे ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया। इन्होंने बेलनाकार, बेलनाकार यानी जो बेलन होता है घूमता है वो कागज पे, तो वो छप जाता है बेलन पे जो भी छपा होता है, ऐसी कारगर प्रेस बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और इसमें जो इससे है ना, प्रति घंटे 8,000 शीट, 8,000 शीट या ताव छापे जा सकते थे, 8,000 शीट एक घंटे के अंदर, बहुत बड़ी बात थी। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस भी आ गई थी, और जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी, है ना। आप ना न्यूज़पेपर में चेक करना, नीचे की साइड में ना अलग अलग कलर होते हैं, ऐसे बिंदु होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों होती है, ये बेसिकली ये दिखाने के लिए कि इसमें 6 कलर है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा। फिर बिजली से चलने वाली प्रेस भी आ गई। ओके, अब क्या क्या इनोवेशन आई ये आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली के जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी, हम मुद्रण जो हमारी पुस्तकें होती थी उसकी जो छापे खाने थे उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चीज टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो ये बताना है। तो सबसे पहले तो कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, ठीक है, पहले कागज फट जाता था और बहुत सारी चीजें होती थी, तो कागज डालने की विधि में सुधार हुआ। साथ में प्लेट की गुणवत्ता भी बढ़ी, पहले जो प्लेट होती थी ना वो ऐसी होती थी तो ढंग से वो छाप नहीं पाती थी, तो उस पर भी गुणवत्ता बढ़ी। और स्वचालित पेपर रील्स, स्वचालित यानी खुद चलने वाली, फोटो विद्युत नियंत्रण भी काम में आने लगे, यानी बेसिकली खुद चलने वाली जो थी वो मशीनें, पहले हाथ से घुमाते थे फिर ही छपता था, तो ये वाला सिस्टम अब खत्म होने लग गया। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयां या इकाइयों के कुल सुधार, या अगर सुधार सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों के का रंग रूप बदल गया, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि भारत में मुद्रण संस्कार, यहीं से हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। भारत में मुद्रण संस्कार संसार, इसका मतलब है कि भारत के अंदर कैसे आया। अभी हम चाइना यूरोप वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में कब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे जी भारत के बारे में। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपि, मैं आपको बता दूं भारत के अंदर भी बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था कि पढ़ने का टाइम ही नहीं था, मतलब पढ़ने का सिस्टम था भारत के अंदर, बट पढ़ाई लिखाई कैसे होती थी कि पांडुलिपि से होती थी लिखित, यानी हाथ से लिखी वाली पांडुलिपि वगैरह वाला सिस्टम हुआ करता था भारत के अंदर, ठीक है। पहले मशीनें वगैरह से नहीं छपाई हुआ करती थी, पांडुलिपियाँ होती थी, हस्तलिखित पांडुलिपि जिनको कहा जाता है, ओके। और वो किन किन भाषाओं में होती थी देखो, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय जो हमारी भाषाएं में हस्तलिखित पांडुलिपि की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपि ताड़ के पत्ते बड़े होते थे, क्योंकि ताड़ के पत्ते और हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी, यानी कॉपी किया जाता था। कभी कभी तो पन्ने पर बेहतरीन
तस्वीरें भी बनाई जाती थी, बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरें बनाई जाती थी क्योंकि हाथ से ही लिखते थे हम। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था ताकि ये थोड़े टाइम तक रहे, फटे फुटे ना, ऐसी सारी की सारी चीज़ें। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद पांडुलिपि छापी जाती रही, मतलब छपाई सिस्टम आ गया। अब कैसे आया उसके बारे में हम देखेंगे, बट पांडुलिपि उस समय भी छपने लग गई थी। ऐसे नहीं है कि पांडुलिपि बंद हो गई थी पूरी छपाई के आने के बाद, छपाई भी होती थी बट पांडुलिपि का सिस्टम भी चलता रहा। ठीक है, अब देखो पांडुलिपि की कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी पांडुलिपि की? सबसे कमी बड़ी जो कमी थी पांडुलिपि की कि वो बहुत ही नाजुक थी, काफ़ी महंगी थी क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता था, ऑब्वियस ही बात है। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था और दूसरा लिपि के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना आसान नहीं था। हर बंदा अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लिखता था, इसलिए उनको दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था, मतलब डेली लाइफ में उनका यूज़ नहीं होता था, समझ रहे हो। जैसे कि ये देखो मैंने एक अक्षर लिखा यहाँ पर था, कोई अगर लिखना चाहेगा तो कोई ऐसे लिख देगा था, कोई ऐसे लिख देगा था, और मतलब ऐसे लिखेगा कि पढ़ा नहीं जाता था कभी कभार। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी पांडुलिपि की। ठीक है, आगे वाला टॉपिक क्या है? हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, वो किताबें नहीं पढ़ते थे। था मतलब पढ़ाई लिखाई का सिस्टम था ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्र जैसे आपने सुना होगा गुरुकुल वाला सिस्टम हुआ करता था पहले हमारे बंगाल के अंदर, देखे तो पूर्वी औपनिवेशिक बंगाल के अंदर, बट ज़्यादातर बुकें हुआ करती थी बट किताबों से नहीं पढ़ा जाता था। बेसिकली जो गुरु होते थे ना, जो टीचर हुआ करते थे, वो अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे, विद्यार्थी उनको सुनकर लिख लेते थे, और इसी तरह सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे, पढ़े लिखे बन जाते थे बिना बुक पढ़े। देखो आप देख सकते हो कितनी एक तरह से बड़ा मजबूत सिस्टम था उस समय हमारा। ठीक है चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, छपाई भारत में आई। ठीक है, अब भारत में छपाई का सिस्टम कैसे आया? अभी तो हमने देखा पांडुलिपि वाला सिस्टम हुआ करता था, सर छपाई कैसे आई, कौन लेकर आया भारत में छपाई? जैसे यूरोप में तो चलो इटली में पहले मार्को पोलो लेकर आया, जापान में कौन लेकर गए थे, चीनी जो बौद्धिक अनुयायी थे वो लेकर गए थे, सर भारत के अंदर कैसे आई? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रिंटिंग प्रेस पहले पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। पुर्तगाल के अंदर ये जो धर्म प्रचारक थे जिनको जेसुट कहा जाता था, जो जीसस क्राइस्ट को मानते थे, वो चाहते थे कि भारत के लोगों को भी जीसस क्राइस्ट के बारे में पता चले और वो जीसस क्राइस्ट की पूजा वगैरह करे, तो इसलिए वो आए थे जब, तो अपने साथ ये प्रिंटिंग प्रेस का सिस्टम भी लेकर आए थे। जेसुट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। अब देखो इंग्लिश भारत में तो इंग्लिश उस टाइम इतनी नहीं थी, तो अगर वो इंग्लिश में लिखते तो कोई पढ़ता नहीं, तो इसलिए उन्होंने कोंकणी भाषा सीखी और उसमें कई सारी पुस्तकें छापी। उसके बाद 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़ा सा ना कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सही कर दूंगा, ये पहली के बाद यहाँ से होना चाहिए था, ये बुलेट पॉइंट नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी मिस्टेक है ना मैं भी सही कर दूंगा, उसके बाद नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा मैं। ठीक है, तमिल किताब छपी, ओके। और उसके बाद 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी यही थे, यानी कौन, हमारे जो पुजारी थे, कौन से पुजारी, हमारे कैथलिक पुजारी थे, इन्होंने पहली मलयालम पुस्तक भी छापी। तमिल तो छापी छापी, मलयालम भी छापी। उसके बाद जो डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक थे, उन्होंने 32 तमिल किताबें छापी, इसमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी, यानी पुरानी किताबें जो लिखी गई थी उसी का अनुवाद किया गया था तमिल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जेम्स ऑगस्टस हिकी। अब देखो किसके बारे में बात किया गया, अब अंग्रेजों के बारे में बात किया गया। पता है ना अंग्रेज कब आए थे भारत के अंदर? 1757 में अंग्रेजों का रूल पूरी तरीके से भारत में शुरू हो गया था। आ तो वो बहुत पहले गए थे, 1608 में ही आ गए थे अंग्रेज भारत के अंदर। ठीक है, तो जेम्स अगस्तस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट, अच्छा ये गजट बेसिकली गैजेट होता है, ठीक है, बट इसको गजट कहा जाता है हिंदी में, नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। मतलब जो हमारे जेम्स अगस्तस हिक्की थे ना, उन्होंने वीकली एक मैगजीन वगैरह शुरू की जिसमें वह खुद को यूं परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। देखो किसी के प्रभाव में नहीं है, इसका मतलब समझो आप, 1780 में तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इस चीज का लिखने का क्या मतलब था कि किसी के प्रभाव में नहीं है? इसका मतलब वो ये बताना चाहते थे कि हम वही छापते हैं जो हमारा मन करे, हम अंग्रेजों की नहीं सुनते,
वो खुद अंग्रेज था बेसिकली, बट ये क्या नाम था उसका, यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद थी। ये देखो ये छोटी सी मिस्टेक, इसमें ना श और जा का थोड़ा हो गया, आजाद निजी अंग्रेजी, ये भी अंग्रेजी है, अंग्रेजी उद्यम थी और अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। मतलब ये बता रखा है, जो हमारे जेम्स अगस्ता सिक्की थी ना, उन्होंने 1780 में जो बंगाल गैजेट छापी थी, वीकली मैगजीन थी, वो बिल्कुल स्वतंत्र थी, अपनी मर्जी से छापती थी और किसी विदेशी आप कह सकते हो ब्रिटिश के अंडर नहीं थी। ठीक है, हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे। ठीक है, कि बिक्री से जुड़े के बेचना है खरीदना है, ये इश्तेहार वगैरह भी लगाए जाते थे। ठीक है, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज, फिर से वही वाली दिक्कत जोर शाह वाली कर दूंगा मैं, ठीक, अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी या गपबाजी, ये भी बाजी रियली सॉरी, गपबाजी भी छापता था। मतलब ज वाली दिक्कत है, ज और श वाली समझ जाना। ठीक है, मैं चेंज करूंगा, डोंट वरी, ये नोट्स जब मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या वेबसाइट पे तो सही कर दूंगा। छापता था, इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल जो थे, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान से सुनना, ने हिक्की पर मुकदमा किया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिकवाद राज की छवि को करे के होते हुए हमले से इनकी रक्षा कर सके। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, बेसिकली इसका मतलब पता है क्या था, जो हमारा जेम्स अगस्ता सिक्की था, वो अपनी मर्जी से छापता था। दिक्कत यह थी कि वो कभी कभी भारत में जो वरिष्ठ अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनके खिलाफ भी छाप देता था, और ये बात जो थी वो हमारे अंग्रेजी जो वो थे जनरल थे उनको पसंद नहीं थी। उसमें से एक गवर्नर जनरल जो थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने मुकदमा किया और बेसिकली उन अखबारों को प्रमोट करना शुरू किया जो अच्छा ही करते थे अंग्रेजों की। ठीक है, 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, राजा राम मोहन रॉय के करीब रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गैजेट। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी आएगा, बट जो हमारे गंगाधर भट्टाचार्य थे ना, उन्होंने सबसे पहले जो बंगाल गैजेट प्रकाशित वगैरह की थी इन्होंने भी। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब ये जो लास्ट पार्ट है ना, तीन चार टॉपिक रह गए हैं, अब ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। डोंट, देखो एक ही मैं सबको समझा दूंगा ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना, तो थर्ड पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, बाकी नोट जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मेन पॉइंट स्पेस दे के लिखना, मेन पॉइंट स्टडी 10, ये लिखना टेलीग्राम चैनल पे, जिस डेट पर ये वीडियो अपलोड हो रही है उस डेट को सर्च करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और 10,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पहले ही एडेड है, आप भी हो जाना। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मेरे से वैसे पूछ सकते हो, बट मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, जैसे कि मेन पॉइंट स्टडी वाला यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हो हमारा, इसके अलावा जो है वो इसी पे तो वैसे वीडियो देख रहे हो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और जो हमारा ये ब्लॉगिंग चैनल है, मैं डेली इस पे लाइव आता हूँ, आज लाइव नहीं आया, आप देख सकते हो कि अभी 1 बज रहा है, तो मैं आज लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आज अभी ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, अभी और भी पार्ट इसके अपलोड करने हैं, लास्ट वाला पार्ट करके ही उठूंगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, बट आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, गलती से चल गई, रियली सॉरी। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, गेमिंग चैनल है, ये टेक चैनल है, इस पर मैं ये बताता हूँ कि अर्निंग कैसे होती है, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसे अर्न कर सकता है ऑनलाइन, उसके बारे में मैंने बताया इसके अंदर। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, थर्ड पार्ट जैसे स्टार्ट होगा उसमें भी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ही वो पार्ट शुरू करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।